होता है पिछड़ों के लिए 27% का आरक्षण लागू करना। इंडिया गठबंधन का मतलब होता है हमारा ये सुंदर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, अपने सब बच्चों के आगे बढ़ा करके। उनकी चार की बात ये लोग करते हैं, जितने बड़े बड़े ये लोग हम लोग के ऊपर में उंगलियां उठाते हैं, जितने दागीदार नेता हैं सब आज बीजेपी में जाके बैठे हुए हैं। मैम ने जैसे कहा, प्रियंका मैम ने जैसे कहा कि जहां पे ईडी वाले वही जाते हैं, चंदा दे दो सब केस खत्म हो जाएगा। हाँ आपने सही कहा, वही ऐसा मशीन है जिसमें से आप पार हो जाए, सारे आपके साफ सफाई सब हो जाएंगे, एक भी दाग आपको नजर नहीं आएगा। और आप लोगों ने तो सुना ही होगा जितना ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में जाके बन जाते हैं उतने बड़े पदाधिकारी, लेकिन ये लोग अपनी बातें अपनी उंगली हमारे ऊपर इंडिया गठबंधन के ऊपर उठाते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि बाकी की उंगलियां आपके ऊपर ही जा रही होती है। मैं चाहती हूं ये चुनाव जो अभी चल रहा है, मैं अपने हर मंच पे कहती हूं कि ये चुनाव बीजेपी बनाम हमारी जनता का चल रहा है और हमारी ये जनता त्रस्त है और ये त्रस्त जनता के जो प्रत्याशी हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के, सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आप जितने प्रत्याशी और उम्मीदवार देखेंगे तो हमारी त्रस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशी खड़े हैं। आज आप लोग सबका भाषण सुनते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, लेकिन सबकी बातों को सुनने से ज्यादा आपको इस बात पे महसूस करना होगा कि आपकी रोजमर्रा की जीवन क्या है, आपकी रोजमर्रा की तकलीफ क्या है, आप अपने घर में कितना पैसा बचा के लेके जाते हैं, महंगाई दर इतनी ऊंची है कि कितना भी कमा लीजिए घर में पहुंचते पहुंचते कम पड़ जाता है, एक ही घर से पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं सब अपना काम करते हैं पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं, लेकिन जितना आपको अपने हिस्से में आना चाहिए था वो आपके जेब में नहीं आता है। और ये जो चुनाव है लोकसभा का चुनाव, ये 5 साल में सिर्फ एक बार आता है और हम इसे पूरे बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र के पर्व के हिसाब से मनाते हैं, लेकिन 5 साल में आपके ऊपर क्या बीती है ये हर एक इंसान हर एक परिवार आपके ऊपर क्या गुजरी है ये आपने सिर्फ महसूस किया है, लेकिन अब ये वक्त आ चुका है कि इंडिया गठबंधन जिस ताकत के साथ, जिस हौसले के साथ और जिस नीतियों के साथ, जिस मुद्दे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी जनता हमारे साथ है। आज बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, और आपने ये देखा ही होगा, लोगों की बात सुनी भी होगी बीजेपी वालों की, ये तो कहते ही हैं कि हम आएंगे और आते ही हम संविधान बदल देंगे। संविधान बदल देंगे मतलब आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे मतलब हमारे जितने भी गरीब गुरबा आदिवासी दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, हमारे जितने अधिकार बाबा साहब ने हमको दिए हैं हिंदुस्तान में ये उनको बदलने जा रहे हैं। अभी ये लोग ने इलेक्शन हुआ नहीं पहले से अपना नया नारा, पहला चरण हुआ एक नारा, दूसरा चरण हुआ बीजेपी वालों का नारा बदल गया, तीसरा हुआ फिर बदल गया, चौथा हुआ फिर बदल गया, तो सातवां आते आते तक अब यही होगा कि अब बीजेपी अब आने नहीं वाली है और इसका अंदेशा उनको पहले ही हो चुका है और यही भयावह स्थिति को उन्होंने भांप लिया था, इसलिए आपके प्यारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इन्होंने जेल में डालने का काम किया, वो भी चुनाव से ठीक पहले। ये वही हेमंत सोरेन है, ये वही हेमंत सोरेन है जिसने जब कोरोना हुआ था तो अपने मजदूर भाइयों को बाहर से लाने का काम किया था, जब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी थी कि लॉकडाउन से पहले उनकी जो जिम्मेदारी है लोग अपने जगह पे पहुंच जाए, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। बड़ी बड़ी इमारतें आप देखते हैं, बड़े बड़े भवन देखते हैं, कौन बनाता है इसे? सुंदर सुंदर आपको सड़कें नजर आती हैं, हाईवे देखते हैं, कौन बनाता है इन्हें? इन्हें मजदूरों की चिंता कभी नहीं हुई है। बीजेपी वाले हमेशा मजदूर विरोधी रहे हैं, हमेशा किसान विरोधी रहे हैं। और आपके इसी हेमंत बेटा ने, हेमंत बाबू ने कोरोना के समय जब लॉकडाउन हुआ तो अपने मजदूर भाइयों को बसों से, ट्रेन से, हवाई जहाज से झारखंड लाने का काम किया है और उनको अपने परिवार से मिलाने का काम किया है। आज हमारे अन्नदाता, हमारे किसान दिल्ली के बॉर्डर पे अपना धरना देने आते हैं तो ऐसा भयावह स्थिति पैदा कर देते हैं, इतने बड़े बड़े लोहे के जाल बिछा देते हैं, कील लगा देते हैं, जैसे लगता है कि कोई बाहर से विदेशी हमला कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है किसानों का, ये हिंदुस्तान है मजदूरों का, ये हिंदुस्तान है आदिवासियों का, ये हिंदुस्तान है पिछड़ों का, ये हिंदुस्तान है गरीबों का, ये हिंदुस्तान है अल्पसंख्यकों का, ये हिंदुस्तान है हर उस मजबूर और मजबूर व्यक्तियों का जिसका रखवाला अगर किसी को होना चाहिए था तो वो केंद्र सरकार का होना चाहिए था। लेकिन आज की ये जो परिस्थिति आपके सामने उत्पन्न हो रही है, वो परिस्थिति का अगर आपको लेखा जोखा मिले तो आप लोगों को प्रश्न बीजेपी वालों से पूछना चाहिए था। ये बीजेपी वाले लोग 2014 में जब इनको जनादेश मिला, इतने बड़े बड़े वादे करके आए कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, 15 लाख खाते पे आएंगे, काला धन बाहर से आएगा, आपके खातों में 15 लाख आएंगे। मुझे तो लगता है कि बहुत लोग के अकाउंट में पैसे आ भी गए होंगे। आए आपके अकाउंट में पैसे? अरे देख लीजिए, आ गए होंगे। 10 साल पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात है, कुछ तो आया होगा। आया है? आप लोग हाँ बोल रहे हैं कि ना बोल रहे हैं? नहीं आया है। ये वही लोग हैं जो रोजगार की बात करते थे। 2014 में अगर सबसे ज्यादा वोट मिला है तो हमारे युवा वर्ग ने वोट किया है, और इसलिए किया था कि उनको लगा था कि हमारा भविष्य थोड़ा उज्जवल होगा, प्रकाशित होगा। लेकिन आज आप देख सकते हैं 10 साल हो गए, कहां गए वो बातें, कहां गए वो वादे जिनका भरोसा जीत करके, हमारी जनता का भरोसा जीत करके इन्होंने कहा था कि हम भारत को सुदृढ़ करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है भ्रष्टाचार की बात ये लोग करते हैं, जितने बड़े बड़े ये लोग हम लोग के ऊपर में उंगलियां उठाते हैं, जितने दागीदार नेता हैं सब आज बीजेपी में जाके बैठे हुए हैं। मैम ने जैसे कहा, प्रियंका मैम ने जैसे कहा कि जहां पे ईडी वाले वही जाते हैं, चंदा दे दो सब केस खत्म हो जाएगा। हाँ आपने सही कहा, वही ऐसा मशीन है जिसमें से आप पार हो जाए, सारे आपके साफ सफाई सब हो जाएंगे, एक भी दाग आपको नजर नहीं आएगा। और आप लोगों ने तो सुना ही होगा, जितना ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में जाके बन जाते हैं उतने बड़े पदाधिकारी। लेकिन ये लोग अपनी बातें, अपनी उंगली हमारे ऊपर, इंडिया गठबंधन के ऊपर उठाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि बाकी की उंगलियां आपके ऊपर ही जा रही होती है। और मैं ये कहना चाहती हूं, हमारे यहाँ गोड्डा के लोगों को कि आप लोगों ने अभी वर्तमान में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनका व्यक्तित्व तो देख ही लिया होगा, उनके इतने बड़बोलेपन हैं कि हमारे कांग्रेस की चाहे महिला विधायक हो, दीपिका पांडे जी हो, बादल पत्रलेख जी हो, इनके ऊपर में भी कैसे अपशब्द बातें करते हैं। और ये एक सभ्य समाज में, एक सभ्य समाज में ऐसे व्यक्ति को कभी भी इतने बड़े जगह में होना नहीं चाहिए। और इस बार ये चुनाव आप लोगों को करना है। जो व्यक्ति एक महिला का इज्जत नहीं कर सकता,
जो व्यक्ति एक जन प्रतिनिधि का इज्जत नहीं कर सकता, तो आप बताइए कि एक आम जनता को वो किस नजर से देखेगा। ये आज आपको निर्धारित करना है कि इस बार का ये जो चुनाव होना है, हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बड़े भाई हैं प्रदीप भैया जी को आपको जिताना है। यहाँ 1 जून को मतदान होगा, क्रम संख्या 2। आपको भारी मतों में इनको विजयी बनाना है, क्योंकि मैं आपको कह देना चाहती हूँ, अगर आप इनको, प्रदीप यादव जी को, बड़े भैया को अगर आप जिताइएगा, तो आप झारखंड के मुद्दों को जिताइएगा। ये वही विधायक है जो विधानसभा में जिनकी आवाज दमदार तरीके से गूंजती है, अपने झारखंडियों की आवाज दमदार तरीके से गूंजती है। तो मुझे लगता है कि अब संसद की भी बारी आ गई है, और हमारे जब ये सांसद बन करके जाएंगे, तो झारखंड के जो अपने मुद्दे होंगे उनको प्रखरता के साथ आगे बढ़ाएंगे, और इसका आशीर्वाद आप लोगों को देना है। आप वहीं से बैठ करके अपने दोनों हाथों को खड़ा करके आप आशीर्वाद दीजिए अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने दादा को, कि आपको पूरा आशीर्वाद देना है। आप लोग सब लोग दो, आप लोग वहीं से आशीर्वाद दीजिए, विजयी भाव का आशीर्वाद दीजिए। ये विजयी भाव आप प्रदीप जी को करिएगा, ये विजयी भाव आप हेमंत जी को करिएगा, ये विजयी भाव आप दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को करिएगा, ये विजयी भाव आप इंडिया गठबंधन को करिएगा। इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है दिल्ली में आपके आशीर्वाद से, तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन का मतलब होता है महिलाओं के खाते में 8,500 रुपया प्रति माह आना। इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो मुझे लगता है आप लोगों को ये सुनिश्चित करना है 5 किलो का जो वादा किया गया है, 5 किलो का अनाज 10 किलो होगा। इंडिया गठबंधन की जीत का मतलब बनता है आदिवासी धर्म कोड की नीति को लागू करना। इंडिया गठबंधन की जीत का मतलब होता है पिछड़ों के लिए 27% का आरक्षण लागू करना। इंडिया गठबंधन की सरकार का मतलब होता है कि हमारे जितने भी युवा है खाली पड़े हैं उनको भरने का काम करेगी। इंडिया गठबंधन का मतलब होता है हमारा ये सुंदर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, अपने सब बच्चों के आगे बढ़ा करके, उनकी शिक्षा में आगे बढ़ा करके, महिलाओं को अपनी भागीदारी दे करके, अपने भाइयों को, युवा भाइयों को जगह में, सही जगह में नौकरी दे करके। मुझे लगता है ये वादा आपको अपने साथ करना है। और आप लोग हमेशा एक नारा देते हैं, आप लोग हमेशा अपने हेमंत सोरेन दादा के लिए एक नारा देते हैं, जेल का ताला टूटेगा, देते हैं ना, तो जो ताले की जो चाबी है वो चाबी है आप लोग, आपका एक एक वोट चाबी है। क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में 4 जून के बाद आ रही है, तो आपके हेमंत सोरेन भी बाहर आ रहे हैं, और ये निश्चित हो चुका है। अगर आपको अपने दादा से, अपने हेमंत बाबू से, अपने प्रिय मुख्यमंत्री, पूर्व प्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से अगर प्यार है, मोहब्बत है, तो आप अपने हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करिएगा, और प्रचंड मात्रा में वोट करिएगा। चाहे धूप कितनी कड़ी क्यों ना हो, आपको प्रचंड मात्रा में वोट करना है। करिएगा कि नहीं करिएगा? तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आप मुझे जवाब दीजिएगा। मतदान की तारीख कौन सी तारीख और आपका छाप क्या है, दिखाइए कौन सा छाप। क्रम संख्या और ये जीत सुनिश्चित करनी है आपको। और इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए आपने आज जिस जोशीले अंदाज में यहाँ दिया है, उसी तरीके से ईवीएम मशीन का भी बटन दबाइएगा, और हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करके, इंडिया गठबंधन दिल्ली आ रही है, हम दिल्ली आ रहे हैं। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है।
इतनी गर्म